तो हाय गाइस मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल में पढ़ ही चुके हो कि आज मैं आपको टॉप 8 ज़ॉम्बीज मूवीज़ के बारे में बताऊंगा। और ये सभी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल है, और ऐसी हिंदी मूवीज़ लिस्ट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं टॉप 8 काउंटडाउन। तो गाइस टॉप 8 पर जो मूवी आती है उसका नाम रेजिडेंट एविल रिट्रीब्यूट है। ये 2012 में आई थी। ये एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी कैटेगरी की है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 39 है। ये 2 अवार्ड और 6 नॉमिनेशन जीत चुकी है। अगर इसकी स्टोरी लाइन में देखें तो इसमें एलिस फिर से अपनी फ्रीडम पाने के लिए अम्ब्रेला कॉरपोरेशन और ज़ॉम्बी से लड़ाई करती है। क्या वे इनसे जीत पाती है या नहीं जीत पाती, ये आपको इस मूवी में देखना है। तो गाइस टॉप 7 पर जो मूवी आती है उसका नाम रैम्बोक है। ये 2010 में रिलीज की गई थी। ये एक्शन, ड्रामा और हॉरर कैटेगरी की है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। ये 3 अवार्ड और 1 नॉमिनेशन जीत चुकी है। इसके स्टोरी लाइन में देखो तो इसमें एक मिचेल नाम का लड़का होता है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, तथा अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुँचने के बाद ही उस स्टेट में एक वायरस स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ के सभी लोग ज़ॉम्बीज बनने लग जाते हैं। तो क्या वे लड़का इन सब से बचकर अपने वापस अपने घर पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, यह आपको इस मूवी में देखना है। तो गाइस टॉप 6 पर जो मूवी आती है उसका नाम ज़ॉम्बीलैंड है। ये 2009 में रिलीज की गई थी। ये एडवेंचर, कॉमेडी और फैंटेसी कैटेगरी की है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 73 है। ये 10 अवार्ड और 23 नॉमिनेशन जीत चुकी है। इसकी स्टोरी लाइन में देखें तो इसके अंदर अमेरिका में एक वायरस स्प्रेड होता है, जिससे वहाँ के सभी लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, तथा तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट अपनी फैमिली के पास वापस जाने की कोशिश करते हैं। क्या वे स्टूडेंट अपनी फैमिली के पास सही सलामत पहुँच पाते या नहीं पहुँच पाते, ये आपको इस मूवी में देखना है। तो गाइस टॉप 5 पर जो मूवी आती है उसका नाम 28 डेज लेटर है। ये 2002 में रिलीज की गई थी। ये ड्रामा, हॉरर और साइंस फिक्शन कैटेगरी की है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 73 है। ये 10 अवार्ड और 31 नॉमिनेशन जीत चुकी है। इसकी स्टोरी लाइन देखें तो इसमें एक टाइम पीरियड के बाद 4 हफ्तों में पूरे यूके में एक वायरस स्प्रेड हो जाता है, बट वहाँ एक लड़का बच जाता है। तो क्या ये लड़का वहाँ से स्ट्रगल करके निकल पाता है या नहीं निकल पाता, ये आपको इस मूवी में देखना है। गाइस टॉप 4 पर जो मूवी आती है उसका नाम वॉर्म ब्लड है। ये 2013 में रिलीज की गई थी। ये कॉमेडी, हॉरर और रोमांटिक कैटेगरी की है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 16 है। ये 1 अवार्ड और 10 नॉमिनेशन जीत चुकी है। अगर इसकी स्टोरी लाइन में देखें तो इसमें एक हाईली अनयूजुअल ज़ॉम्बीज होता है जो एक लड़की से लव करने लग जाता है, तथा उस लड़की को बचाने के लिए दूसरे ज़ॉम्बीज़ों से लड़ता है। क्या वे उस लड़की को एंड तक बचा पाता है या नहीं बचा पाता है, यह आपको इस मूवी में देखना है। तो गाइस टॉप 3 पर जो मूवी आती है उसका नाम द वॉकिंग डेड है। ये 2010 में रिलीज की गई थी। ये ड्रामा, हिस्ट्रिकल और थ्रिलर कैटेगरी की है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। ये एक गोल्डन ग्लोबल 75 अवार्ड, 207 नॉमिनेशन जीत चुकी है। इसकी स्टोरी लाइन में देखो तो इसमें एक रिक नाम का शेरीफ होता है जो कोमा में चला जाता है, परंतु कोमा से जागने के बाद यह अपने लोगों को जिंदा रहने के लिए कुछ स्किल सिखाता है। तो आपको देखना है कि शेरीफ के साथ ऐसा क्या होता है कि वे अपने लोगों को बचने के लिए ऐसी स्किल सिखाने लग जाता है। सो गाइस टॉप 2 पर जो मूवी आती है उसका नाम ट्रेन टू बुसान है। ये 2018 में रिलीज की गई थी। ये एक्शन, हॉरर और थ्रिलर कैटेगरी की है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 72 है। ये 32 अवार्ड और 39 नॉमिनेशन जीत चुकी है। इसकी स्टोरी लाइन में देखें तो इसमें एक साउथ कोरिया में कुछ लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, तथा तभी वहाँ पर एक वायरस स्प्रेड हो जाता है जो पूरी दुनिया में फैल जाता है। क्या वे यात्री इस वायरस से बच पाते या नहीं बच पाते, ये आपको इस मूवी में देखना है। तो गाइस टॉप 1 पर जो मूवी आती है उसका नाम है आई एम लेजेंड। ये 2007 में रिलीज की गई थी। ये एक्शन, ड्रामा और साइंस फिक्शन कैटेगरी की है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 65 है। ये 9 अवार्ड और 22 नॉमिनेशन जीत चुकी है। इसकी स्टोरी लाइन में देखें तो इसमें एक प्लेग वायरस कुछ सालों में बहुत से इंसानों को ख़त्म कर देता है,
तथा उन्हें एक मॉन्स्टर में बदल देता है। परंतु वहाँ एक सोल्जर जिंदा रह जाता है जो इस वायरस को तोड़ ढूंढने में लगा रहता है। क्या वह इस वायरस का तोड़ ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता या मर जाता है, यह आपको इस मूवी में देखना है। सो गाइस, अगर लिस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी ही नई वीडियोस की लिस्ट चाहिए वो भी हिंदी में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।